हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। बोले ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू विद द सुटेबल स्केल ऑन एक्सिस। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर, यानी कि डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों के बीच में रिलेशन बनाने वाले ग्राफ बनाना है। अगर हम 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराते हैं तो हमें 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है। 2000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने पे 160 का, 3000 डिपॉजिट कराने पे 240 का। इस स्टेटमेंट को हमें एज अ ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ शीट ली, ठीक है, जिस पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रखा है, ठीक। अब हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है 1000, 2000, 3000, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा किस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा मैं वाई एक्सिस पे, क्लियर। तो आपको लेते समय ये ध्यान रखना है, जो नंबर ले रहे हो आप, जो अमाउंट ले रहे हो, आपको इंटरवल सेम रखना है। चाहे आप यहाँ पे 500 का गैप रखो 500, 1000, 1500, 2000, या फिर आप 100 का गैप रखो 100, 200, 300, 400, आपको जो सूटेबल लगे आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। बट कंडीशन ये अप्लाई है कि आपको इनका जो इंटरवल है वो सेम रखना है, इंटरवल में चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1000 का दे रखा है, तो मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ 500 से, ठीक है। ये मैंने ले लिया 500, फिर 1000, इस तरीके से मैं पूरे में मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डिपॉजिट के लिए 500, 1000 इस तरीके से गैप लिया है, और यहाँ पर मैंने 40 का गैप लिया है। यह मैं दे रखा था 80, 60। आप चाहे 80 का भी ले सकते हो, 81, 61, 240, बट कंडीशन ये है कि आपको कांस्टेंट नंबर रखना है, यानी कि आप इसके बीच में चेंजेस नहीं कर सकते कि कभी 100 ले लिया, कभी 120, कभी 140। चाहे तो आप 20-20 का इंटरवल ले लो, चाहे 40-40 का ले लो, या 80 का ले लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखो 1000 पे शो किया गया 80 को, तो ये हमारा 1000 पे शो किया गया 80 को, इसे मैंने मार्क कर दिया। 2000 पे 160 को, ये रहा 2000 पे दिखाया गया 160 को। दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। अगला 3000 पे 240, ये पॉइंट आ गया हमारा। फिर अगला 4000 पे 320, 4000 पे 320 शो किया गया है, 4000 पे 320, मैंने इसको मार्क कर दिया, क्लियर। अगला हमारा बोला गया 5000 पे 400, तो 5000 ये रहा, इसे बोला गया 400, तो 400 पॉइंट हमने यहाँ से लेके मार्क कर दिया। ये सारे पॉइंट आए, इन सभी पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट, मैंने सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया और इनके कोऑर्डिनेट को मेंशन कर दिया। 1000 पे 80, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320, एंड 5000 पे 400, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो स्केल चूज़ किया, उस स्केल को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस की हमारी ये वाली लाइन थी। यहाँ पर मैंने एक एक जो यूनिट यहाँ पे दे रखी है, कितने का आप ले रखा 500 का, तो यहाँ लिखूँगा मैं 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 500 रुपीज़ को, क्लियर। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, इस पर हमारी जो 1 यूनिट है, मैंने यहाँ पे कितने गैप लिया 40 का। आप जो भी गैप लोगे, अगर 80 का लेते हो तो 80 शो करो, 20 का लेते हो तो 20 का शो करो, मेरा 40 का गैप है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ₹40, ठीक है, ये मेरा स्केल हो जाएगा। इसी के साथ ग्राफ वाला पार्ट तो हमारा हो गया कम्प्लीट। अब इसके नीचे कुछ इसके पार्ट दिए गए हैं, उन पार्ट को हमें सॉल्व करना है। देखो पार्ट नंबर 1 में बोला डज द ग्राफ थ्रू द ओरिजिन, क्या ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पे हमारी एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ज्वाइन करते हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ग्राफ तो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका आंसर हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि यस द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है। अगला यूज द ग्राफ फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ ऑन ₹2500 फॉर द ईयर, यानी कि अगर 2500 रुपये के लिए हमें निकालना हो इंटरेस्ट तो कितना होगा। देखो 2500 हमारा ये है, हमने इस लाइन को, मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि डिफरेंट नज़र आए, ठीक है, और मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अगर हम 2500 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 200 रुपीज़ का मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको शो किया है, क्लियर। तो इसको मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि सो इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर द ईयर इज़ ₹200 का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तीसरा पार्ट, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑन ₹280 पर ईयर, हाउ मच द मनी शुड बी डिपॉजिटेड। 280 का इंटरेस्ट मिलने के लिए कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तो 280 ये रहा। इस लाइन को हम इस तरीके से लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट है, इसको मैंने रेड कलर से दिखा दिया, ठीक है। अब इसी पॉइंट को मैं नीचे लेके आया कि हमें कितना रुपये डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आया 3500 आ रहा है, तो हमें 3500 डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे मैंने मेंशन कर दिया सो द गेट द इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर वी शुड बी डिपॉजिट 3500। और इसी के साथ हमारा इसका सी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।